हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और जैसे आपको मालूम कि 40% और 50% को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है दोस्तों, तो एक पिटीशन जो कि जबलपुर में लगाई गई थी दोस्तों, उसकी जो डेट है वो 8/6/2023 है सुनवाई की डेट। लेकिन एक पिटीशन जो कि इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये नंबर टाइप करना है और इसका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। और दोस्तों इंदौर हाई कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया है कि 40-50% का जो मैटर है उसमें आवेदन करने की परमिशन दी जाए, जिन्होंने यहाँ पर पिटीशन लगाई है उन पे। यहाँ पर आप यदि पूरा इसको रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो हम ऊपर से इसको पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय इंदौर का ये जो है वक्तव्य है दोस्तों, यानी डिसीजन है एक तरह से। और इसका जो है आप देखेंगे संख्या जो दी गई है वो आपके सामने है। ये केस नंबर आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इसी से ये निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे, इन लाइनों को ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी आप जो भी 40-50% का नियम है उस हिसाब से इन्हें एप्लीकेशन अलाउ की जाए मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट निकला है 18/5/2023 उसमें दोस्तों। लेकिन इसका जो पिटीशन का जो भी दायरा रहेगा वो कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत ही रहना है दोस्तों, ठीक है। तो एक जीत आपकी ये हो गई कि आप एग्जाम में बैठ सकेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जिन्होंने पिटीशन लगाई है उनके लिए आदेश जारी किया गया है, यदि निर्णय आया था पूरा, चूंकि ये कोर्ट के अधीन रहेगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर लिखा है फाइनली इश्यू ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन, ठीक है। तो ये जो है कोर्ट के अधीन रहेगा, लेकिन उन्हें अलाउ किया है कि आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं, उनसे जो है आवेदन कराएं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, पोर्टल फिर से ओपन होगा और आप फिर से आवेदन करेंगे इस आधार पर, ठीक है। ये इंदौर हाई कोर्ट का डिसीजन है और जबलपुर हाई कोर्ट में जो है सुनवाई चली रही है, वहाँ से भी डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो अंतिम निर्णय होगा उसके अधीन आपकी ये एप्लीकेशन रहेगी। लेकिन फिलहाल आप सभी की जीत हुई है, आपकी एकता की जीत हुई है, क्योंकि आप लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा दोनों में सेम नियम होने चाहिए, सेम पासिंग मार्क होना चाहिए, और वही यहाँ पर कोर्ट ने सुना है। और जिन्होंने यहाँ पर आवेदन लगाए थे उन्हें जो मेंस है, यानी मैं कहूँ कि जो भर्ती परीक्षा, उसमें आवेदन करने का मौका मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा धन्यवाद जमीनी स्तर की टीम पे, जो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया, जगह जगह ये बात भी रखी गई, फिर अंत में जो है कोर्ट का सहारा भी लिया गया और वहाँ भी आपकी बात सुनी गई दोस्तों। तो आप देखेंगे कि 4 वीक पहले जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये नियमों को ध्यान में रखते हुए 40% पर पात्रता परीक्षा पास करना उचित मांग है कि नहीं है, मैं ये लेकर आया था और पूरा ब्यौरा मैंने इसमें आपको बताया था। मध्य प्रदेश के सभी आदरणीय जो चैनल्स हैं जिन्होंने ये मुद्दे अपने चैनल पर उठाए, उन सभी को विशेष धन्यवाद, क्योंकि न्याय की जीत हुई है और आगे भी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।